माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू मेकअप लुक। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना फेस में सीरम कर लिया है, मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं ये लैक्टोकैलामाइन का ऑयल कंट्रोल यूज़ कर रही हूँ। ये गर्मियों में आपका जो है ऑयल कंट्रोल करेगा काफ़ी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से अपने फेस पे यूज़ कर लिया है। इसके बाद जो है मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर आज मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी का, बट सब उसके सॉरी उससे पहले जो है मैं अपने आईब्रो फिल करूँगी। आईब्रो फिल करने के लिए जो है मैं यहाँ पे अपना न्यूड पैलेट यूज़ कर रही हूँ। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो की आपकी जितनी शेप है आपने उतना ही यूज़ करना है, इसे एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। मैं अपनी आईब्रो फिल करने के बाद जो है यहाँ पे कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर से आप अपनी जो आईब्रोज़ है इसे मैं शार्प दिखाऊँगी। शार्प करने के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, इसमें आपको कॉम्पैक्ट भी होता है। ये 2 in 1 है, 9+9 to 5 इसका लैक्मे नेम है। तो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी आईलिड पे भी आई बेस बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ कर लूँगी कंसीलर। अगर आप हैवी लुक चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मली जो है मेकअप करते हैं तो आपको यहाँ पे बेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी गर्मी है तो मैं भी हैवी लुक कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे आई बेस लगाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर कंसीलर भी यूज़ करूँगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियोस क्या अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या नया चाहते हैं, कैसा मेकअप देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो कंसीलर मैं से यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर आज मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, अपने फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी अपना कंसीलर। मुझे एक कमेंट में पूछा गया था कि आप जो फाउंडेशन लगाते हैं, मैं जो फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो फाउंडेशन ब्लैक हो जाती है, ग्रे में चला जाता है, तो ऑक्सीडाइज हो जाती है काफ़ी जल्दी। तो इसके लिए जो है आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो आई के नीचे का कलर है, आई का कलर सॉरी, एंड आपकी जो माउथ के पास की जो जगह होती है हमारी, इनका कलर अलग अलग होता है अपने फेस के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको अपने फेस को जो है एक साथ बराबर कलर में लाना पड़ता है, तो जिसके लिए आप जो है करेक्टर यूज़ करते हैं। तो आइस पे आते हैं। आइस मैंने इसमें पाउडर से सेट कर लिया। पाउडर से सेट इसलिए करते हैं कि आपकी कोई क्रीज ना आए, एकदम साफ सुथरी आपकी आइस दिखें। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का ये बिग पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके 54 शेड्स हैं, काफ़ी अच्छी पैलेट है। इसमें आपको शिमर, ग्लिटर एंड मैट शेड तीनों मतलब कि आपको शेड्स मिल जाएंगे। इसमें आपको एक ही पैलेट में सारे पैलेट का आपको जो है इसमें बेनिफिट्स हैं। आप जब कलर लेते हैं इसको थोड़ा डस्ट आउट कर लीजिए कि आपके जो एक्स्ट्रा अपने कलर आया है वो निकल जाए, और आपकी आई से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना आपने। इससे ब्लेंडिंग सबसे अच्छी है, ब्लेंडिंग होनी चाहिए जिससे आपकी आईज अच्छी लगेगी। मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग देखिए आप मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसको आपने राउंड राउंड करना है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, आराम से आपने इसके राउंड राउंड यूज़ करना है इस ब्रश को। ब्रश ये ब्लेंडिंग ब्रश है। ये ब्रशेस आपको जो है 10 का सेट मिलता है, ये आपको अमेजोन से भी मिल सकता है। अमेजोन में काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वैराइटीज़ हैं, आप ब्रश ले सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया आज मैं ब्लू एंड पर्पल एंड ग्रीन ये शेड यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर कैमलियन का पैलेट ले रही हूँ, ये मैंने पर्पल से मंगवाया था। तो ये पैलेट भी काफ़ी अच्छा, इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 800 या 900 का समथिंग कितने का ही है, तो ये एक्चुअली मुझे याद नहीं अभी कितने का, तो इतने में आएगा। तो काफ़ी अच्छा पैलेट है ये। तो इस पैलेट में भी आपको फुल मेकअप मिल जाएगा, फुल मेकअप कर सकते हैं इस पैलेट से। इसमें आपको ब्राउन्जर पाउडर एंड कॉम्पैक्ट हाइलाइटर, ब्लैक बेस, ब्लशर्स में सब मिलता है। मैंने इसमें आपको जो है ग्रीन शेड सॉरी ब्लू शेड दिया है, लाइट ब्लू शेड,
अपनी क्रीज लाइन में थोड़ा सा ऊपर उसके लगा रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना, आपने कोई हार्श लाइन ला रहे हैं ब्राउन कलर और ब्लू कलर में, इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद जो है, ब्लेंड करने के बाद मैं दूसरा इस पर सेम कलर यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ करूँ अपनी आइज़ पे डेप्थ देने के लिए, इसको भी मैं लगाकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसे ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे कट क्रीज करूँगी हल्की सी। मैं यहाँ पे अपना कंसीलर ले रही हूँ, अपना लैक्मे का ही कंसीलर है मेरा। बट उससे पहले जो है, मैंने जो ब्राउन कलर लिया था उसे मैं डिफ्यूज़ कर दूँगी इस कलर में, कि ये दोनों कलर सेम एक जैसे हो जाएं, अलग अलग ना लगे, कोई लाइन ना रहे, इससे ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेना आपने इसको। इसे यूज़ करने के बाद जो है, यहाँ पे मैं कंसीलर से कट क्रीज बनाऊँगी अपने। बना लिया तो इसके बाद मैं उसको पाउडर से अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। उसके बाद जो है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया, लाइट ग्रीन कलर मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊँगी। आपने जो जब भी आई शेडो लगाना अपने इनर कॉर्नर्स में, हमेशा आपने लाइट कलर ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर की शिमर यूज़ कर रही हूँ। इसे अपने मैंने दोनों आइज़ पर लगा लूँगी। उसके बाद मैंने अपने आई बॉल पे यहाँ पर लाइट शिमर पर्पल कलर का यूज़ किया है। ये हुडा ब्यूटी का ही पैलेट है, ये काफ़ी अच्छा पैलेट है गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने आई बॉल पे मैं पर्पल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा डार्क ब्लू कलर होगा हल्का सा, इसे मैं यूज़ करूँगी। डार्क ग्रीन एंड ब्लू का मिक्स है ये इनर कॉर्नर, सॉरी आपके लाइट होने चाहिए, और आउटर कॉर्नर आपके हमेशा डार्क कलर होने चाहिए इस पर, जिससे आपकी आइज बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद जो है, मैं अपनी आईब्रो के नीचे हाइलाइटर यूज़ करूँगी। हाइलाइटर यूज़ इसलिए करते हैं कि आपकी जो आई शेडो है ये काफ़ी अच्छी लगे, तो आपकी आईब्रो जो है अलग लगे और आपके आई शेडो जो आपने यूज़ किया वो अलग पार्ट लगे, तो उससे आपकी आईज अच्छी लगती है। उसके बाद जो आपकी जो है ब्रश आउट हुआ है, यहाँ से अपना यूज़ कर रही हूँ, क्लेंजिंग मेक यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं कॉटन के साथ अपनी आईज क्लीन कर लूँगी। बाद जो है, मैं यहाँ पे स्टे क्यूटी का लाइनर यूज़ करूँगी, पेन लाइनर है गाइस, ये बहुत अच्छा लाइनर है, लॉन्ग लास्टिक है और लगाने में भी आसानी होती है इसे। बाद जो है, मैं वाटर लाइन के नीचे भी यही कलर यूज़ करूँगी, लाइट ब्राउन एंड देन ग्रीन देन पर्पल, ये शेड्स मैं लगा लूँगी अपनी वाटर लाइन के नीचे। उसके बाद जो है, आज मैंने काजल जो यूज़ किया है, ये स्टे क्यूटी का काजल है, ये भी मेरा फेवरेट काजल है, ये काफ़ी अच्छा काजल है, मैं इसे यूज़ करूँगी वाटर लाइन पर यूज़ करूँगी इस काजल को मैं।
इसके ऊपर वाटर लाइन पर लगाई एंड नीचे वाली पे भी लगाई दोनों तरफ। उसके बाद मैं आई लैशेज यूज़ कर रही हूँ। आई लैशेज कैसे लगाते हैं मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। आई लैशेज यूज़ कर रही हूँ अभी। आई लैशेज यूज़ करने के बाद जो है आपको यहाँ पे हल्का सा जो आपकी कम लगाते हैं आप यहाँ इसकी आई लैशेज की जो आई लैशेज होती है उसकी, तो इसके बाद आपको इसके ऊपर लाइन लाइन लगाना ज़रूरी है जिससे आपकी जो गम वगैरह है वो नहीं दिखती है, वो छिप जाता है और एकदम ये अच्छा लगता है। ये यूज़ करने के बाद जो है इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा आज मैं यूज़ करूँगी मैक का। मैं अपनी आईब्रो सॉरी आई लैशेज पे एंड नीचे के आई लैशेज पे दोनों तरफ यूज़ करूँगी। उसके बाद मेरा आई मेकअप ये कंप्लीट है और मैं अपना जो डस्ट और वगैरह से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं फेस पे अपने यूज़ कर रही हूँ। पहले ग्लॉबरी की ही है, ये क्रीम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये, जो इसमें है बहुत अच्छी है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करने के बाद मैं आज प्राइमर जो यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर ये जेल प्राइमर है, गर्मियों के टाइम पे आपको जेल प्राइमर ही बेस्ट रहता है आपके लिए। प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं, ये जेल बेस प्राइमर है। इसके बाद जो मेन स्टेप है ये आपकी जो फाउंडेशन ब्लैक हो जाती है, इसके लिए आपने जो है आपने जो है यहाँ पे करेक्टर का यूज़ करना है। जो ऑरेंज कलर का करेक्टर है आपने डार्क सर्कल्स पे, ब्लैक एरिया जो आपका फेस पे है उस पे यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स पे एंड आपके अपने माउथ के पास जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है हल्की सी। उसके बाद मैं SFR का कंटूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये कंसीलर पैलेट भी है। तो इसमें जो है आपको कंटूर कंसीलर ये मिल जाता है, करेक्टर भी है इस पर। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का करेक्टर है, ग्रीन कलर का करेक्टर आप तब यूज़ करते हैं जब आपको रेड स्पॉट है, जैसे कि मुझे रेड पिंपल है तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक डार्क सर्कल्स है इसमें मैं ऑरेंज यूज़ करूँगी। और आपको बताना चाहूँगी आपकी फाउंडेशन जो है अच्छी तरह से आपके फेस पे ब्लेंड हो जाए, जिसके लिए आपको जो है सबसे पहले अपने जो ब्लेंडर है उसे आपको वेट करना है। वेट कैसे करना है, आपने एक बाउल में पानी में डालना है, पानी में अपना ब्यूटी ब्लेंडर डाल देना है, उसको 10-15 मिनट पहले ही डाल देना मेकअप करने से पहले। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, जो आपका इस पर पानी होगा आपने वो पूरा पानी निकालना है। उसके बाद आपका जब ये ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी तरह से फूल जाएगा उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अच्छी तरह से पानी निकालने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड कैसे करना है, जैसे आप फुटबॉल खेलते हैं बॉल पर मारते हैं तो उसे थप्पा थप्पा करके खेलते हैं आप, जिस तरह से देसी में जो अभी उस तरह से आपने इसको यूज़ करना, अच्छी तरह से फेस के ऊपर थबेड़े मारने जैसे बोलते हो आप, इस तरह से आपने इसको फेस के ऊपर डैप डैप करना, अच्छी तरह से डैप डैप करके आपने इसको यूज़ कर लेना। आप देख लीजिए जो मैंने कंसीलर को सॉरी करेक्टर लगाया है बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने लगवाया, बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया मेरे फेस पर, मेरा फेस इसको अब्जॉर्ब कर गया क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग दी है। ब्लेंड करने के बाद जो है यहाँ पर आपने यूज़ करी मेरी सॉरी इसके बाद पहले करेक्टर लगाने के बाद आपने जो है यहाँ पे इसको सेट करना है पाउडर के साथ। मैं लैक्मे का पाउडर के साथ इसको सेट कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। उसके बाद मेरी आज फेवरेट फाउंडेशन है मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, जो गर्मियों के टाइम में आपके लिए भी बेस्ट है। ये लॉन्ग लास्टिंग है और इसकी फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। मेरा इसमें फेवर है 220 नेचुरल बेस्ड।
तो मैं ये फाउंडेशन यूज़ करूँगी। इस फाउंडेशन का एक पंप ही आपके लिए बहुत है, इनफ है वो। बट मैं आपके दो पंप ले रही हूँ। फुल कवरेज फाउंडेशन है, बिल्कुल अच्छी फाउंडेशन। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हो। फाउंडेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप डैब डैब करके अपने फेस पे लगाइए, उसके बाद आप इसको ब्लेंड कीजिए अच्छी तरह से। ब्लेंडिंग जैसे आप मेकअप में अपनी आई शेडो को ब्लेंडिंग देते हैं, उस तरह से आपको फाउंडेशन को ब्लेंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने नेक पे, अपने ईयर पे, अपने अपने फुल फेस पे आपको उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जब आप ब्लेंड करते जाएंगे आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी शाइनिंग हो जाती है, मतलब आपके फेस को अच्छी तरह से ग्लो कर देती है। काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, इसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जो है मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन को। उसके बाद जो है मैं अपना फेस कंटोर करूँगी। कंटोर अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्रीम कंटोर को इग्नोर कीजिए, आप पाउडर कंटोर कीजिए, बिल्कुल आसान है, ब्लेंड हो जाता है आसानी से। क्रीम कंटोरिंग गर्मियों में भी मुश्किल है, बट आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जो है कि यहाँ पे पाउडर कंटोर ही कीजिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे मैं अपनी कंटोरिंग को शार्प करने के लिए अपने पाउडर के साथ इसे सेट कर लूँगी, सॉरी इसको शार्प तो करूँगी थोड़ा सा हल्का सा। इसे करने के बाद जो है यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ करूँगी। ब्रश मैं कैमलियन के पैलेट से, जो मैंने पर्पल से मंगवाया था वो पैलेट, उसी से आज मैं अपना ब्लश यूज़ करूँगी। यहाँ पर लाइट पिंक पर्पल शेड का ही एक ब्लश है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आज। ब्लश यूज़ करने के बाद जो है मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी। हाइलाइटर मैं शिवाना का यूज़ करूँगी। ये पाउडर में ही है, हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है। मैं अपने फैन ब्रश के साथ इसे यूज़ कर लूँगी। लगाते हैं उसको भी आप अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। उसके बाद हाइलाइटर भी जब आप लगाते हैं जहाँ जिस जिस जगह पे आप लगाएंगे उसे भी अच्छी तरह से आपने थोड़ा ब्लेंड कर लेना है कि वो हार्श ना लगे। तो आप इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए हाइलाइटर को भी। हाइलाइटर आप लगाते हैं अपने चिक बोन पे, अपने नोज़ पे, नोज़ की जो फुल नोज़ है उस पर, उसके बाद अपने लिप्स के ऊपर। ये अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं आपके। अगर आप ब्राइड हैं अपने फोरहेड पे भी हल्का हल्का लगा सकते हैं। तो नोज़ पे लगा रही हूँ मैं, उसके बाद मैं अपने लिप्स के पास लगाऊंगी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे। तो ये लगाने के बाद मैं लिप लाइनर यूज़ करूँगी लाइट पिंक कलर का। लिप लाइनर के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ये ज़्यादा आप कैसे इसे छोटे या बड़े कर सकते हैं अपने लिप्स को, तो आप मुझे इसके लिए मैसेज कर सकते हैं मेरे शॉप पे। तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि कितना से करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके लिए आपको वीडियो बना के बता दूँगी। तो इसके बाद लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लिप लाइनर जो है आपने जो यूज़ करना है सबसे पहले, क्योंकि लिपस्टिक लगाने से पहले अगर आप लिप लाइनर यूज़ करते हैं तो आपकी लिपस्टिक एकदम पसंद रहती है अगर आप बिजनेस हैं तो। तो उसके बाद यहाँ पर जो है मैं काइली की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। काइली की न्यू लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ आज मैं। यूज़ करने के बाद मैं हल्का सा बेबी कलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क करने के लिए। काफ़ी हल्का यूज़ था वो लाइट था वो कर, तो हमने थोड़ा सा डार्क करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये मेरा मेकअप लुक
कंप्लीट है। तो गर्मी है तो आपको मेकअप फिक्सर अच्छा लेना पड़ेगा, जिससे आपको जो मेकअप है उसमें कोई धूल ना आए, स्वेट ना आए। तो मैं भी तो यहाँ पर यूज़ कर रही मेकअप फिक्सर, इसे कि मैं अपने फेस पे दो तीन बार आपने उसको लगाना, उसको ड्राई होने दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड बाय।